So now we are going to study about PowerPoint. Hey, I'll teach you in 5 minutes. My cursor is slide share or prepare gunny. Sit on that sit on slide share cursor prepare gunny. I'll try to teach you. Hey, exam simply. Obviously, you know, detail on that, but still, keep on that. Sake so much. It only 50% PowerPoint of a Janice. You know, 50% can get a thing of home bunny insert one insert. You already learn home insert like a gang person at the MS word of Polatini. Take good a camera camera, PowerPoint. So let's say 5 minutes my slide share cursor is sit upon on. So simple way to learn PowerPoint. And say window R gore PowerPoint khola direct khola ke ho power power ho pnt hai aba yo installation garna siknu cha tabalai crack garna software hu chahe bhane you have to come to me more of file le jani and YouTube ma I can put the videos hai tyo bhaneko next thing ho tara at least sabai jana ko gharma chai PowerPoint hola bhane I hope so hai so elai open gare PowerPoint kholyo yes now kyo blank presentation yaha pani same kura kaam lagcha hai control w for close control n for new oh control w for close aba yahan le pani hernus ta home button ma tei cha layout haru cha alili yo kura ta same ho ni ek dera kura naya cha ni ta hernus ta insert ma pani alili kura same cha ni ta ke chaina cha ni aba let's say pahila bhaneko tapai le slide haru create garna janu parcha yo bhaneko cha ni yo ke bhancha yeslai slide new slide create garna jani blank garni jaili pani ke garni blank blank garyo dui ta bhayo yes sir tin ta bhayo अब हाई ये ब्लैंक तो क्रिएट करना जानू भाई बट स्टिल तब डिलीट कर सिलेक्ट करें डिलीट थी नहीं डिलीट होता क्लिक गए डिलीट होता अभी न्यू स्लाइड में ब्लैंक तो करना जाने सो व्हाट इज दिस वर्ड सर ये टाइटल कंटेंट भाई के यहाँ ये गए ये खाले आँच टाइटल में कर डायरेक्टली तब नाइन टाइप कर कंप्यूटर को बारे में लिखा कंप्यूटर हो इस सेंटर अलाइन करें कंट्रोल ई फोर सेंटर अलाइन कि हमने यहाँ पर कर सकते हाई अब यहाँ के बारे में लिखा इस यहाँ के बारे में बुझ् लिया रेडी अब कहीं कंट्रोल जेड गए बैक मैं ये थे यहाँ पिक्चर राख्त थी यहाँ पिक्चर कहाँ थे पिक्चर्स हो पिक्चर्स राख्त थी भि यहाँ गए ओके मिकी माउस या फिर ये राख दैट्स इट बुझ्भ सो ते को लगी काम लगता अज फिर फाइल न्यू गए अर्क नया खाले राख होम में फिर फाइल न्यू न्यू स्लाइड कर यहाँ ये खाले राख टेक्स्ट हो कस कति हमें दुईटा कंटेन्ट राख् मन लगे ये जैसे कि यह कंप्यूटर भो कंप्यूटर अवटा के एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कंपेयर करते कि अर्क डिजिटल कंप्यूटर इसी बुझ्भ इसी करना मिले अब इस सेंटर में कंट्रोल ई फोर सेंटर लाइन होना सर सुरूदि हम आप कसरी बनाने तो सुरूदि नहीं बना हमें सुरूदि ये ब्लैंक इन्सर्ट में के करने टेक्स्ट बक्स के अरे टेक्स्ट बक्स ड्र टेक्स्ट बक्स करने इन्सर्ट में गए ड्र टेक्स्ट बक्स भाई हमें इन्सर्ट में देखा थे हाई टेक्स्ट बक्स टेक्स्ट बक्स में क्लिक करें इसी तान्ने के बारे में पढ़ना था कंप्यूटर कंप्यूटर कंट्रोल ए कंट्रोल सी ग्रेटर देन कंट्रोल ई फोर सेंटर लाइन है कसो फुल बक्स में तो सजिलो हो तर बक्स बक्स चाहिए हमें डिफ्रेंस शूटिंग करने भाई कि छुट्टे छुट्टे करने भाई चाहिए पिक्चर छुट्टे ठाव में राख्ने भाई है जैसे कि मैं टेक्स्ट बक्स ड्र कर यहाँ पिक्चर राख सजिलो हो ठाव ठाव में जान होगा नहीं तब ठूल कर नहीं मिलता तब को आइडिया हो बुझे ये के पड़ने सर इसलिए कि नया स्लाइड अब इसको सर्टकट के होगा नया स्लाइड कंट्रोल एम नया स्लाइड कंट्रोल एम न्यू फाइल कंट्रोल एम न्यू स्लाइड आयो ब्लैंक कंट्रोल एम नया स्लाइड ब्लैंक ब्लैंक वाला आर वाला अरुण चाहिए यहीं पर सिलेक्ट कर सिलेक्ट कर कंप्यूटर कस था तब दुईटा बक्स आया तीन टा बक्स आया कस था सो बुझ् अब ते अब ते पच्चीस के स्लाइड बने हाई सबजा टाइप भी कर सको सपोज हमें टाइप भी कर सको हाई यहाँ के गये हमें टेक्स्ट समथिंग एड गये अभी यहाँ टाइप करें भ्या अब के पाली आए तो डिजाइन दिने भाई के आयो डिजाइन हमें इन्सर्ट बड़ पिक्चर भी राख्यम डिजाइन को पाली आए डिजाइन में तबले हेन तब कतिवटा अप्सन हाई ये धेरे अप्सन हाई तब हे राइट क्लिक करने के करने रे राइट क्लिक करने के अप्सन हाई इसमें के अप्सन apply to all slide सब में लाने apply to selected इसमें मत लाने इसमें मत लाने फिर यहाँ गयो अब इसमें यह खाले चाहिए राइट क्लिक गयो apply to selected only हाई सरी इसमें अलग इफेक्ट देखें राइट क्लिक गयो apply to selected only आयो अब इसमें भी राइट क्लिक गयो apply to selected only यो गर्दाखेरि भिन्न भिन्न स्लाइड आए नहीं हो भिन्न भिन्न तर कत तब इस क्लिक कर दी वात इस क्लिक कर सर मेरे तो सब एवटे खाले आयो भाई तेसो गर्दा चाहिँ राइट क्लिक गरेर अप्लाई टू अल गर्दाखेरि के हुन्छ सबैमा त्यही स्लाइड जान्छ के सबैमा के हुन्छ त्यही स्लाइड जान्छ तपाईले डाइरेक्टली यसरी क्लिक गर्दा त्यस्तो भइरहन्छ यु नेभर रिमेम्बर के त्यसो गर्दा सबै ग्रीन भयो नि
सर मलाई पनि छुट्टी छुट्टी लाउँथ्यो सबैमा लाग्यो किन लाग्यो त तपाईँले डाइरेक्टली क्लिक गरिदिनु भयो ल बुझ्नुभयो सबै एउटै कलरको चेन्ज भयो नि किन डाइरेक्टली क्लिक गरेर त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त किनभने राइट क्लिक गरेर हेर्न मिल्दैछ नि एप्लाई टु सेलेक्ट गर्ने या के गर्ने तर प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि ढङ्गी चङ्गी बनाउँदैन है सबैजनाले एउटा प्याटर्न फलो गर्छ घर कलर गर्दाखेरि यो चाहिँ रेड यहाँनिर यतातिर यतातिर चाहिँ ब्लू यतातिर चाहिँ चारपाटी घर हुन्छ नि त थाहा छ नि होइन स्क्वायर सेपमा अनि त्यसमा के चारपाटीमा यल्लो ग्रिन ब्लू फलो गर्छ होइन नि एउटै प्याटर्न फलो गर्छ नि हो कि नै गर्छ कुनै कुनै मान्छेले तर के हो हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहोस् त पिङ्क र यो फलो गर्छ यहाँ होलमा त्यस्तै गरेको छैन फरक गरेको छैन सो जहिले पनि पर्फेक्ट डिजाइन गराउन पर्टिकुलर कलर फलो गर्छ फेसबुकले धेरै जस्तो ब्लू फलो गरिहाल्छ कतिजना कम्पनीहरूले ग्रिन मात्रै फलो गर्छ कतिजनाले त्यो मात्रै कलर युज गर्ने एउटा डिजाइनै हुन्छ बुझ्नुभयो कोरोनामा नि लोगो जहिले पनि त्यही फलो गरिहाल्छ नि याद छ एउटा के हो नि एउटा आफ्नो चिना जस्तो नि गर्छ कि बुझ्नुभयो स्लाइड गर्दाखेरि सिम्पल बनाउनलाई के गर्नुपर्छ एउटै स्लाइड अब यति भएपछि रेडी भएन त हाम्रो यहाँ टेक्स्ट टाइप भइसक्यो हुन्छ यहाँ स्लाइड रेड भइसक्यो रेडी भइसक्यो हुन्छ अनि के हो जस्ट F5 के हो F5 गऱ्यो भाइ इट्स नट स्टार्टिङ ए सरी आइएम रेकर्डिङ सो F5 यहाँ काम गर्दैन किन काम गर्दैन आइएम रेकर्डिङ नि रेकर्ड गर्दाखेरि हाम्रो F5 त के गर्छ जुम इन गर्छ नि त त्यसैले सो यहाँ गएर के हो स्लाइड सोमा प्ले गर्ने के हो फ्रम बिगिनिङ अनि है भेरी बिगिनिङ आयो अब यहाँ मात्रै यसरी दिएको है खासै नि यसरी आइरहेको छ मैले त्यहाँ रेकर्डिङ गरेर माइट बी यसरी आएको होला सो यसो गर्दाखेरि नेक्स्ट नेक्स्ट गर्न मिल्छ हेर्नुहोस् त प्रोजेक्टरमा यसरी आउँछ प्रोजेक्टरमा दिएको बुझ्नुभयो यहाँ चाहिँ यसरी आइरहेको छ किनभने मैले प्रोजेक्टरमा दिइरहेको हुन्छु नि त यो प्रोजेक्टर जस्तो काम गरेर चाहिँ मेरो ल्यापटपमा चाहिँ यसरी आइरहेको हुन्छ फरक आइरहेको छ किनभने प्रोजेक्टरमा फालेको हो नि त मैले स्लाइड बुझ्नुभयो सो लेट्स मेक इट अब चाहिँ अलिकति अथेन्टिक गरेर गरौँ यो चाहिँ यो सजिलै सिकाएँ होइन अब भन्न चाहिँ के भनेन नि लेट्स केही टपिकको बारेमा कुरा गरेर बनाऊ न त सो द्याट यु क्यान लर्न इट मीन्स टु स्टार्ट द न्यू स्लाइड सो सर एक्सक्युज मी F5 फर स्लाइड सो स्टार्ट गर्छ F5 गर्ने बित्तिकै आफै स्टार्ट हुन्छ आई विल सो यु यो अहिले स्क्रिन हटाएर कि चाहिँ स्क्रिन रेकर्डर अफ गरेर देखाउँछु ओके आई वन्ट टु क्रिएट न्यू सो कन्ट्रोल W भनेपछि यो क्लोज हुन्छ डु यु वन्ट टु सेभ डन्ट सेभ है कन्ट्रोल N4 न्यू फाइल अब यो के गर्ने यहाँनिर टाइटल एड गरौँ है जस्तो कि ल यो सपोज मलाई कस्तो खालको प्रेजेन्टेसन चाहियो हेर्नुहोस् है होममा गएर मैले यहाँ कस्तो खालको चाहियो भने मैले यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको चाहियो हो एउटा टाइटल होस् यसलाई डिलिट गरिदिउँ यो चाहिएको छैन मलाई यो खालको मात्रै चाहियो चाहेन कि सेलेक्ट गर्ने डिलिट दिने हेर्नुहोस् ट्यान्ड यो खालको चाहियो अब यसलाई के गरौँ म यसलाई कपी गरेर कन्ट्रोल भी पनि गर्न पाउँछ होला कपी कन्ट्रोल भी सेम खालको बन्यो कन्ट्रोल भी कपी गरेँ मैले कन्ट्रोल भी गरेँ सेम खालको स्लाइड आयो किनभने मलाई सेम प्याटर्नको फलो गर्नु छ नि त ल सपोज यति कतिवटा बनाऊँ डिलिट गरौँ मलाई 5 मात्रै चाहियो धेरै चाहिएको छैन फेरि टाइम लाग्छ नि त 1 के गरेँ कम्प्युटर कम्प्युटर अब पिक्चर राखिदिउँ कम्प्युटरको आई डोन्ट ह्याभ पिक्चर अफ कम्प्युटर है सो मैले जे पाउँछु त्यही राख्छु है सेकेन्डमा ल माउस हो अरे माउसको पिक्चर राखेँ यसलाई मैले माउस माउस मिकी माउस है सो अब अर्को ल्यान्ड हो पासङ सर ल है त्यसपछि अर्को एउटा टाइप गरौँ हरि है जस्ट एनिवे थिङ्क द्याट दिस आर द टपिक अब तपाईँले लङ लङ टेक्स्ट टाइप गर्ने यताउति त छँदैछ है लङ लङ टाइप गर्ने नगर्ने द्याट्स अन यु अन्ली है सो ल सो पिक्चर फाइन्ड आउट गर्ने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ आई डोन्ट नो व्हाट इज दिस पिक्चर ओके डन अब हेर्नुहोस् है तपाईँले F5 लेट मी स्टप द भिडियो फर अ वाइल है F5 गर्दाखेरि के हुन्छ कन्ट्रोल F10 गरे टाइप गर्दाखेरि ऊ हुन्छ अहिले नगरौँ आई जस्ट वान्ट टु प्ले है यहाँनिर के हो स्लाइड सो हो स्लाइड सो छ एनिमेसन सिकाएको छैन है अहिले मैले बेसिक थिङ मात्रै सिकाएको यतिसम्म चाहिँ घरमा बसेर गर्न सक्नु पऱ्यो यति गरेपछि यस सो नाउ सी हियर नेक्स्ट स्लाइड नाउ लुक डन यहाँनिर हेर्नुहोस् यसरी आउँछ अब इफ आई टेक आउट माई प्रोजेक्टर है यसलाई निकालिदियो भने एप के हुँदो रहेछ हेरौँ है इफ आई टुक इट आउट है एकैछिन ल हजुर फेरि जुम इन भयो यस नो नो आई टुक इट आउट अब एक्चुली फेरि फर्म बिगिनिङ गरौँ है के हुँदो रहेछ अब यसरी आयो हेर्नुहोस् त बिकज आई डिडन्ट गिभ इट टु प्रोजेक्टर अब यहाँ चाहिँ त्यसरी आयो बुझ्नुभयो किनभने मैले प्रोजेक्टरमा दिएन नि त अहिलेसम्म प्रोजेक्टरमा कनेक्टेड भएर त्यस्तो भयो अब मैले प्रोजेक्टरमा दिन यो भ्यूमा एन्टर डन बुझ्नुभयो अब F5 गर्दाखेरि प्ले हुन्थ्यो इट्स नट प्लेइङ बिकज आइएम रेकर्डिङ भिडियोज अब आई वन्ट टु स्टप द भिडियो अनि देखाउँछु है स्ट्याक आज पावर पोइन्ट टोटल सक्यो होइन तर बेसिकमा एकैछिन कसरी बनाउने भनेर मात्रै सिकेको आज के सिकेको बच्चालाई 1 क्लासमा कसरी पढाउनु त यी नेम राख्यो पिक्चर राख्यो सजिलै सकेन र एउटा सो सजिलै होइन अब तपाईँलाई टेक्स्ट राख्नु भने तपाईँले ड्र टेक्स्ट बक्स गरेर पनि गर्न सक्नुभयो होइन
यतिको लागि है अब लेट मी टेल यु है अब यसलाई